जो नाच रहे हैं इनको भी तो मेजॉरिटी नहीं मिली है, ये भी बीजेपी को कह रहे हैं हमारी सपोर्ट करो, ये भी हमारे दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का है, कारगिल में हमने 2018 में एक काउंसलर जीता था, आज दो काउंसलर जीते, दो हमारी सपोर्ट से इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार जीते, सात बीजेपी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे, 11,500 वोट लिया जो कि पहले 2,500 था। हमने कारगिल में बीजेपी मजबूत हुई है, और जो नाच रहे हैं इनको भी तो मेजॉरिटी नहीं मिली है, ये भी बीजेपी को कह रहे हैं हमारी सपोर्ट करो, ये भी हमारे दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है, लेकिन होंगे कब ये तो इलेक्शन कमीशन को पूछना पड़ेगा। आप प्रस्ताव दे रहे हैं क्या? मैं आपके सामने प्रस्ताव दे रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। सर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का महाजन संपर्क अभियान शुरू हुआ है। पिछले 9 सालों में जो मोदी साहब की हुकूमत ने लोगों की खिदमत के काम किए हैं, गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की जो खिदमत मोदी साहब ने की है उसको जन जन तक पहुंचाना और जनमानस के साथ लोगों के साथ इन तमाम डेवलपमेंट हो या आपसी भाईचारा हो, जम्मू कश्मीर का खुशनुमा माहौल और खुशहाली हो, इन सब विषयों को लेकर एक बड़ा जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू करने जा रही है। हम मोदी साहब की सरकार के शुक्रगुजार हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में हुए हैं। आज डोडा हो, किश्तवाड़ हो या रामबन हो, नेशनल हाईवे हो, टनल्स का निर्माण हो, गांव-गांव में सड़कें, बिजली, पानी, इसका निर्माण तेजी से हो रहा है। साथियों, मोदी साहब ने अपनी 9 साल की हुकूमत के दौरान जो गरीबों का भला किया है, सबका भला किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन से काम किया और उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली है, अमन है, भाईचारा है और डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट, ये खुशहाली, ये भाईचारा आगे भी इसी तरह से कायम रहे और 2024 में फिर से हमारे मुल्क में मोदी साहब की हुकूमत बने, इसके लिए एक महाजन संपर्क अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में हम शुरू करने जा रहे हैं। अपोजिशन पार्टी ने जो गुपकार अलायंस के नेता हैं वो आप सिर्फ धरना करेंगे, वो कभी लोगों की खिदमत नहीं कर सकते। जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने गरीबों को सताया, आम लोगों को सताया, लूट खसूट मचाई, और आज जब ये जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको हुकूमत से बाहर कर दिया तो ये धरना कर रहे हैं, लेकिन इनके धरने में भी कोई नहीं जा रहा, इसीलिए आवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। ये सिर्फ आप धरना ही करते रहेंगे। बीडीसी कारगिल का मसला भी देखा, जानकारी में इस वक्त चल रहा है सर, कारगिल जो विक्ट्री हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसका सेलिब्रेट जो है जगह जगह पर चल रहा है, नारेबाजी जो है वो की जा रही है। लद्दाख में आज भी दबदबा भारतीय जनता पार्टी का है, मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख में बीजेपी का है,
ले हिल काउंसिल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो बीजेपी का है, ले में बीजेपी की हुकूमत है। कारगिल में 2018 में भारतीय जनता पार्टी का एक काउंसलर जीता था और आज 2023 में बीजेपी के दो काउंसलर जीते। बीजेपी की सपोर्ट से दो आजाद उम्मीदवार जीते। 7 जगहों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और 11,500 वोट कारगिल से बीजेपी ने लिए हैं। बीजेपी कारगिल में भी बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है। हमने जैसे कारगिल के अंदर अपना आंकड़ा, अपना नंबर डबल किया है 1 से 2, और वैसे ही जम्मू कश्मीर में 2014 में 25 MLA थे, यहाँ भी डबल करेंगे और 50 MLA जीतकर जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत बनेगी।